बार स्वागत करती हूँ आपका एपी 100 टीवी लाइव, आपका प्रदेश आपकी आवाज पे। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा और बड़ी। जब 2 किलोमीटर पैदल चले जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक, खबर रामपुर मथुरा से सामने आई है जो कि बड़ी खबर है। बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी अनुज सिंह व पुलिस अधीक्षक घोले सुशील चंद्रभान को 2 किलोमीटर ग्रामीणों ने पैदल भी चलवाया। बताते चले कि आपको कि बाढ़ क्षेत्र में पहुंचे जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक शंकरपुरवा पहुंचे, वहां पर बन रहे ठोकर का निरीक्षण किया व अधिकारियों से बातचीत की और कार्य को 15 जून से पहले पूरा करने की बात कही है। इसी बीच ग्रामीणों ने कहा कि साहब हमारा भी घर देख लीजिए, घाघरा की कगार पर है। इसी बात पर जिले के दोनों मुखिया भरी धूप में पैदल ही शंकरपुरवा व अखरी की तरफ चल पड़े, जिसके दूरी 2 किलोमीटर है। चिलचिलाती धूप व बालू भरी धूल आला अधिकारियों पर पड़ती रही, लेकिन जिले के दोनों ही मुखिया पैदल अखरी चल पड़े। बीच में उच्चीकृत हैंडपंप दिखी, जिस पर जिलाधिकारी ने डीपीआरओ मनोज पटेल को नल चलाने को कहा, तो डीपीआरओ ने नल चलाकर पानी निकलवाया। उसके बाद अखरी पहुंचे जहां पर कटान हो रहा था, उसको देखा। वहां पर सिंचाई विभाग के एक्सीएन शशिकांत सिंह से निर्देश देते हुए कहा कि हमने अगली बार भी आपसे अखरी गांव को बचाने को कहा था, इस बार भी कह रहा हूं कि अखरी गांव को कटने से बचाइए, जो भी उपाय हो वह करिए। इसी बीच ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों की शिकायत भी की। जिलाधिकारी से अखरी निवासियों ने बताया कि अगले वर्ष जब आप बंबू कैरेट डलवाने के लिए कह गए थे, तब भी विभाग के जेई ने 2 दिन काम चलवा करके बंद कर दिया था, जिससे 5-6 लोगों का घर भी कट गया था। इस पर जिलाधिकारी ने जेई संजीव उपाध्याय से पूछा तो वह अपनी बगले झांकने लगे। उसके बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने एक्सीएन से कहा कि आप कल से ही कार्य चालू करवा दीजिए, और जिलाधिकारी ने मौके पर फोटो भी अपने मोबाइल से लिया। जिलाधिकारी ने जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि जो भी लगवाना हो वह लगवाइए, लेकिन आपको अखरी गांव को कटने से इस बार बचाना है। इसके बाद जिलाधिकारी मिश्रणपुरवा पहुंचे, वहां पर परियोजना का निरीक्षण किया, सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हमारे संवाददाता दुर्गेश पोरवाल की रिपोर्ट देखिए।